हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि गुरु ट्रेड एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के भी गुरु ट्रेड एप्लीकेशन में जो है रुपए हो चुके हैं 300 से ऊपर और आप लोग चाहते हैं उनको विड्रॉल करना, लेकिन आप लोग को नहीं पता कि गुरु ट्रेड एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे करते हैं, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि गुरु ट्रेड एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे कि गुरु ट्रेड एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये गुरु ट्रेड में मेरा रियल अकाउंट है और ये देख सकते हैं डेमो अकाउंट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेमो अकाउंट में मेरे 9000 रुपए हैं और रियल अकाउंट में आप लोग के सामने 302 रुपए हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, गुरु ट्रेड में 300 रुपए का ही विड्रॉल होता है। 300 रुपए से आप ऊपर का विड्रॉल कर सकते हैं, कम का नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे मी पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है विड्रॉ। विड्रॉ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को अमाउंट ये बोल रहा है मिनिमम 300, तो आप लोग यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे। तो मैं 300 रुपये डाल देता हूँ। 300 रुपये डालने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो अपना यहाँ पे मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ मिल जाता है बैंक होल्डर नेम, तो आप लोग के बैंक का जो अकाउंट नंबर में जो नाम है वो डाल दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे मिल जाता है बैंक अकाउंट नंबर, तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बैंक का जो IFSC कोड है वो डालिए। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने डाल दिया, यहाँ मिल जाता है सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है एस्टिमेट अमाउंट रिसीव्ड, तो ये बोल रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर अकाउंट इज कैरीफुल। तो आप लोग अपने अकाउंट का कैरीफुल चेक कर लीजिए। और सर्विस फीस इसकी जो है 12 रुपये है, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। और ये देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट लग चुकी है। ये यहाँ पे पहले रिसीव होगा, बैंक प्रोसेस करेगा और इसके बाद सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे रिसीव मैंने जो है प्रोसेस यहाँ पे लगा दिया है। और मैं वेट करूँगा जो है कितने टाइम में ये मेरा जो अमाउंट है आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ये आज, ये यहाँ पे दिखा रहा है सितंबर, तो ये 4 सितंबर को यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। और इसके बाद 2 सितंबर में इतने टाइम को जो है यहाँ पे बैंक प्रोसेसिंग होगी। और यहाँ पे ये दिखा रहा है सक्सेस, ये 12 बजे जो है सक्सेस हो जाएगी, ये कल ही सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पे 4 घंटे बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं 4:10 हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मुझे एक मैसेज आई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुझे मैसेज जो रिसीव हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया यू हैव रिसीव रेट 288 रुपये, तो ये मुझे जो है बैलेंस यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हैं। और 288 रुपये जो यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे नीचे साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है पे आउट, ठीक है, 288 रुपये का है। तो ये 300 रुपये का जो है भेजा गया था जिसमें 12 रुपये का सर्विस चार्ज उसने काट लिया है, ठीक है। तो 288 रुपये मुझे जो यहाँ पे मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है इससे आप लोग जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग गुरु ट्रेड एप्लीकेशन से विड्रॉल करने में कोई भी दिक्कतें परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।